नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि भी आपने थंबनेल के अंदर देखा कि आज किस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने बता दिया होगा कि हिसार के अंदर एसी बस चलने वाली है। तो आप सही सुन रहे हो, हाँ एसी बस चलने वाली है। अभी क्या इसका प्रोसेस रहेगा, अभी न्यूज निकल के आई है कि कौन सी क्या न्यूज है, वो पूरी डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। हमारे 500 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाओ यार, अभी कम ही बचे हैं। तो आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि शहरवासियों को पता चले कि अपने सिटी के अंदर बस वगैरह आने वाली है। और भी काफ़ी सारी मैं वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ हिसार से रिलेटेड, डेवलपमेंट से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो चलिए फिर आज मैं लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन सी क्या न्यूज़ है, पूरी वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर अभी बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अभी मैं आ गया हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए फिर अभी वीडियो गैलरी के अंदर चलते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कौन सी क्या न्यूज़ है। तो गैलरी ओपन करता हूँ मैं यहाँ से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये अपनी वीडियो है, ये चैनल का नाम है Sumit009। तो मैंने इस आर की एयरपोर्ट पे वीडियो डाली थी, तो आप एयरपोर्ट के अंदर सेक्शन के अंदर जाके देखोगे तो इसके अंदर आप आपको 4.1K व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको ये आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं ट्राई करूँगा आई बटन में यहाँ पर लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं आप अपनी न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, यात्रियों के लिए खुशखबरी, हिसार सहित 7 डिपो को मिलेगी नई एसी बसें। 67.50 यानी 67.50 करोड़ रुपए में 150 बस खरीदी जाएंगी। तो ये चेतन सर वर्मा ने हमें बताया था 6 घंटे पहले। एसी बस की कीमत करीब 45 लाख रुपए होगी। अच्छा, गर्मियों में लंबी रूट पर सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है, यानी गर्मियों में जो लंबे रूट पर यात्री सफ़र करते हैं बस के अंदर, उनके लिए खुशखबरी है। हिसार सहित 7 डिपो को नई ऐसी बस मिलने वाली है जिसमें हिसार, रोहतक, चंडीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल और सोनीपत डिपो हैं। तो अभी है ना, ये 7 हैं अपने, आप आई होप आप सभी ने ये डिपो देख लिए होंगे। पहले फेज़ में परिवहन विभाग 150 नई बस खरीदेगा, यानी जो पहला फेज़ होता है 1, 2, 3, तो पहले फेज़ में ये नई 150 बस खरीदेगा जिन्हें यात्रियों की डिमांड के अनुसार चयनित डिपो में भेजा जाएगा। जहां पे ज़्यादा डिमांड होगी वहां पे भेजा जाएगा। इन एसी बसों के लंबे रूट पर दौड़ाया जाएगा, यानी ये लंबे रूट पे चलेंगी। अभी तो अधिकारियों के अनुसार 4 से 5 महीने अभी इसमें लगेंगे। यार वो अभी सी बात लगने है, इतने तो बाकी 4-5 महीने बोल रहे हैं, बाकी थोड़ा सा 6-1 महीने तो मान के चलो। 7 डिपो में जीएम से मांगी डिमांड, यानी उन्होंने मांगी है डिमांड। देखिए, 7 डिपो में जीएम से मांगी डिमांड। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 7 डिपो में महाप्रतिनिधियों को एसी बस के लिए डिमांड मांगी है, यानी एसी बस की उन्होंने डिमांड लिखा है कि गर्मी के मौसम में यात्रियों के अनुसार एसी बस के डिमांड भेजे। यानी यार सही है, क्योंकि मैंने बताया ना भाई, गर्मी इतनी हो जाती है और बाहर भी इतनी ऊपर एसी बस होती है वो लोहे की, अंदर गर्म, फिर एसी वो बस का इंजन चलता है उसके अंदर हीट जाते, तो काफ़ी गर्मी हो जाती है। इसके बाद मथन कर चयनित डिपो में नई बसें भेजी जाएंगी, नई बसें भेजी जाएंगी, तो नई बसें आ जाएंगी। सामान्य बसों की तुलना में एसी बस की बॉडी मजबूत, ये तो यार सही है, सामान्य बस की तुलना में नई एसी बस की बॉडी दोगुना मजबूत होगी। यानी जो एसी बस होती है उसकी बॉडी मजबूत होती है, क्योंकि उसके अंदर ठंडी होती है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे वो होते हैं, और जो सिंपल रोडवेज होती है उससे अलग, क्योंकि गर्मी के मौसम में एसी बस में ठंडे और सर्दी के दौरान गर्म हीट दी जाती है, इसलिए रोडवेज बस में लगे इंजन के कारण गर्मी इतनी बढ़ जाती है। तो मैंने बताया ना कि रोडवेज के अंदर जो इंजन होता है उससे भी काफ़ी वो है अपनी, क्या बोलते हैं, हीट बढ़ जाती है, कई बार बस की बॉडी पर प्रभाव पड़ने लगता है, वो तो अभी से पड़ेगा। जिसके डबल परत की ये नई बस एसी बस होंगी, यानी ये डबल परत की होंगी, यानी डबल लेयर की होंगी। 4 साल पहले हिसार डिपो के मॉडिफाई एसी बस का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक करवाना फिर बिना एसी दौड़ाया गया, यानी ठीक करवा के फिर बिना एसी उसको दौड़ाया गया। तो यार काफ़ी बात है, उस बस का एक्सीडेंट हो गया था, बिना एसी उसको चलाया जा रहा है। हिसार सहित 7 डिपो को नई एसी बस मिलेगी। इस बस की कीमत 45 लाख रुपये मैंने बता दिया, कुल खर्चा 67.50 करोड़ के लगभग लागत से टेंडर जारी कर दिया गया है, यानी टेंडर जारी हो चुका है अपना।
और सत्य प्रकाश परमार, डिप्टी ट्रैफिक कंट्रोलर परिवहन विभाग चंडीगढ़, तो उन्होंने ये कहा है। तो यार काफ़ी अच्छी बात है, चलो एसी बस हिसार के अंदर हो जाए, और क्या चाहिए भाई, धीरे धीरे और डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, आप ये ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखी हो तो। जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी हिसार के अंदर एसी बस चलने वाली है, तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, गर्मी को देखते हुए लिया गया। क्योंकि एक तो देखो बाहर जो टेम्परेचर होता है 40 होता है, फिर जो रोडवेज के अंदर बैठे यात्री, बस ऊपर लोहे की होती है तो वो गर्म वैसे हो जाते हैं, तो 3-4 डिग्री ऊपर से हो जाता है, 44-45। फिर उसके बाद जो इंजन होता है उसकी हीट से और भी काफ़ी ज़्यादा, तो 50 के अराउंड हो जाता है। तो यार गर्मी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है हिसार रोडवेज के अंदर, यानी जितनी भी हिसार के रोडवेज बस है अपनी, तो उसको देखते हुए अपने हिसार के अंदर एसी बस का भी कर रहे हैं। अभी 4-5 महीने लगेंगे आने में, लेकिन चलो यार अच्छी बात है, कोई दिक्कत है नहीं। हिसार के अलावा 60 डिपो में भी चलेगी, तो काफ़ी अच्छी बात है यार, एसी बस गर्मी के अंदर होनी भी चाहिए। जैसे दिल्ली के अंदर DTC बस चलती है एसी वाली, तो काफ़ी अच्छी बात है। शायद आई होप उसके जैसे ही बस आए, अभी कन्फर्म नहीं है लुक वगैरह का, बाकी मिल जाएगा। तो आप सभी को आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।